गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन क्या पढ़ रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या है डिस्कस करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ने कहां तक डिस्कस कर लिया था? स्कोटम के बारे में पढ़ लिया था, टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया था और लेयर ऑफ द टेस्टिस, इनके बारे में क्या है अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो एक बार नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन क्या है, जो पुराना टॉपिक है अपना, उनके बारे में क्या है समराइज कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। स्कोटम। द स्कोटम इज ए पाउच ऑफ डीपली पिगमेंटेड स्किन फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स। स्कोटम क्या है? एक पाउच है, ठीक है, डीपली पिगमेंटेड स्किन फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स। और बनती किससे? फाइब्रस कनेक्टिव और जो स्मूथ मसल्स है उनसे क्या है ये पाउच बनी है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट ईच ऑफ विच कंटेन्ड वन टेस्टिस वन एपिडर्मिस एंड द टेस्टिकुलर एंड ऑफ ए स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये बनती किससे है? इट इज डिवाइडेड इंटू टू कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट के अंदर क्या है डिवाइडेड है। ईच ऑफ विद कंटेन, प्रत्येक के साथ क्या है, एक टेस्टिस एक एपिडर्मिस और एक टेस्टिकुलर एंड इसका स्पर्मेटिक कॉर्ड का प्रेजेंट रहता है। इट लाइज बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस इन फ्रंट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द थिंगनेस एंड बिहाइंड द पेनिस। नेक्स्ट है टेस्टिस। द टेस्टिस आर द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ऑफ द मेल एंड आर इक्विवेलेंट ऑफ द ओवरीज इन फीमेल। जो टेस्टिस है मेल के अंदर वो क्या है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है और किस मेल में और किसके इक्विवेलेंट माना गया है इसको, फीमेल में जो ओवरी होती है उसी के क्या है इक्विवेलेंट माना गया है। They are about 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ क्या होती है? 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, 2.5 सेंटीमीटर वाइड, 3 सेंटीमीटर थिक।
ये क्या है, जो टेस्टिस है उसके बारे में क्या है, एक सेक्शन लिया गया है और उसमें दिखाया गया है। जो आपका ए है उसके अंदर क्या दिखाया गया है, एपिडर्मिस इज ऑन द पोस्टियर साइड ऑफ द टेस्टिस, और बी में क्या दिखाया है, क्रॉस सेक्शन थ्रू ए सेमी ट्यूब शोइंग डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म। तो इसमें क्या है, पोजीशन दिखाई गई है और इसमें क्या है, स्पर्म का डेवलपमेंट दिखाया गया है, स्पर्मेटिक कोड दिखाया गया है, टेस्टिकुलर आर्टरी और वेंट शो की गई है, डक्ट डिफरेंस दिखाया गया, नर्व है, टेस्टिस, एपिडिडाइमस, सेक्शन जो लिया उसके अंदर क्या दिखाया है, कैपिलरीज है, इंटरस्टीशियल सेल दिखाई है, सब टेस्टिकुलर क्लिक्युलर सेल दिखाई गई है, ल्यूमन दिखाया गया है, स्पर्मेटोजोवा दिखाया गया है। नेक्स्ट है लेयर। तो जो टिश्यू की है कितनी लेयर होती है, इस पे तीन लेयर होती है, ठीक है। ट्यूनिका वेजाइनलेस, ट्यूनिका एब्ल्यूजिना और ट्यूनिका वेसिकल्स, ये क्या है, तीन लेयर इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं। ट्यूनिका वेजेनलेस, दिस इज ए डबल मेम्ब्रेन फॉर्मिंग द आउटर कवर ऑफ द टेस्टिस एंड इट इज डाउन ग्रोथ ऑफ द अब्डोमिनल एंड पेल्विक पेरिटोनियम। ड्यूरिंग अर्ली फिटल लाइफ द टेस्टिस डेवलप इन द लंबर रीजन ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द किडनी। दिस इज ए डबल मेम्ब्रेन ऑफ, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन होती है फॉर्मिंग द आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, क्या बनाती है, आउटर कवरिंग बनाती है किसकी, टेस्टिस की, एंड ग्रोथ डाउनवर्ड एंड डाउन ग्रोथ ऑफ द अब्डोमिनल एंड पेल्विक पेरिटोनियम। और ये ग्रोथ किधर करती है, डाउनवर्ड करती है अब्डोमिनल में की तरफ और पेल्विक पेरिटोनियम की डाउनवर्ड डाउन की तरफ क्या इनकी ग्रोथ होती है। ड्यूरिंग अर्ली फिटल लाइफ द टेस्टिस डेवलप इन द लंबर रीजन, अर्ली फिटल लाइफ में क्या है, जो टेस्टिस है वो डेवलप कहाँ पे होते हैं, लंबर रीजन ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द किडनी, किडनी के जस्ट बिलो क्या है ये अपनी ग्रोथ करते हैं। दे देन डिसेंड इन टू द स्कोटम टेकिंग विद देम कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स नर्व एंड द डिफरेंट डक्ट। दे आर डिसेंड इन टू द स्कोटम टेकिंग विद देम कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम, कवरिंग किसकी रहती है, पेरिटोनियम की, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड नर्व द डिफरेंट डक्ट। द पेरिटोनियम इवेंचुअली सराउंड्स द टेस्टिस इन द स्कोटम एंड बिकम डीअटैच फ्रॉम द अब्डोमिनल पेरिटोनियम। डिसेंट ऑफ द टेस्टिस इन द स्कोटम शुड बी कंप्लीटली बाय द 8th month ऑफ द फिटल लाइफ।
नेक्स्ट है ट्यूनिका और ड्यूजीना। दिस इज ए फाइब्रस कवरिंग बैंड ऑफ द ट्यूनिका वेजनलेस दैट सराउंड द टेस्टिस। ये क्या है, फाइब्रस की कवरिंग होती है और टेस्टिस के चारों तरफ क्या है, कवर्ड रहती है। इन ग्रोथ द फॉर्म चैप्टर डिवाइडिंग द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस इन टू द लेबल्स। नेक्स्ट क्या है, ट्यूनिका वेसिकुलस में क्या है, दिस कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज सपोर्ट बाय द डायरेक्टेड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इन ईच टेस्टिस आर 200 टू 300 लोबल्स एंड विद रिच लोबल्स आर 1 to 4 कॉन्वोल्यूटेड लूप कंपोज्ड ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम सेल कॉल्ड सिमिनिफेरस ट्यूबल्स। जो प्रत्येक टेस्टिस है वो किससे बनता है, 200 से 300 के इसके अंदर लोबल्स प्रेजेंट रहते हैं एंड विद इन ईच लोबल्स आर 1 to 4 प्रत्येक लोब के अंदर लोबल्स के अंदर 1 to 4 कॉन्वोल्यूटेड लूप प्रेजेंट होते हैं जो किससे बनते हैं, कंपोज्ड ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल है उनसे वो बनते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स अपन क्या उनको बोलते हैं। बिटवीन द ट्यूबल्स देर आर ग्रुप इन इंटरस्टिशियल सेल दैट सीक्रेट द हॉर्मोन टेस्टोस्टेरोन आफ्टर प्यूबर्टी। बिटवीन द ट्यूबल्स देर आर ग्रुप ऑफ इंटरस्टिशियल सेल दैट सीक्रेट द हॉर्मोन टेस्टोस्टेरोन आफ्टर द प्यूबर्टी। ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन है वो क्या सीक्रेट करते हैं, कब, आफ्टर प्यूबर्टी। At the upper pole of the testis, the tubules combine form a single tube. These tubules, about 6 meters in the full length, each reproductively folded and tightly packed into the mass called epididymis. ये tube है, ये लगभग कितनी होती है, 6 meters की क्या है, full length होती है इसकी, but ये क्या है, fold के अंदर होती है और tight pack होती है into the mass, mass में, that is called epididymis. इसको अपन क्या बोलते हैं, एपिडाइमस अपन इसको बोलते हैं। इट लीव द स्कोटम एज द डिफरेंट डक्ट इन स्पर्मेटिक कोड। ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स पास टू द टेस्टिस इन द स्पर्मेटिक कोड। ब्लड और लिम्फ वेसल्स कहाँ पास होते हैं, टेस्टिस इन द स्पर्मेटिक कोड। तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की अपन बात करते हैं तो इन ईच टेस्टिस आर 200 टू 300 लोबल्स एंड विद इन ईच लोबल्स आर 1 to 4 कॉन्वोल्यूटेड लूप कंपोज्ड ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम सेल। प्रत्येक जो टेस्टिस है उसके अंदर कित क्या होता है, 200 से 300 लोबल्स प्रेजेंट होते हैं और प्रत्येक के अंदर 1 to 4 क्या है, लूप प्रेजेंट होते हैं और ये किससे बनती है, जर्मिनल एपिथेलियम से सेल से बनती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स उसको बोलते हैं। Between the tubes there are group of interstitial cell that secret, जो tubules है उनके अंदर किसके group होते हैं, interstitial cell के group होते हैं। ठीक है, जो क्या secret करते हैं, hormone secret करते हैं, कौन सा, testosterone hormone secret करते हैं after puberty के बाद। At the upper pole of the testes the tubules combine to the form a single tubule एट द अपर पोल ऑफ द टेस्टिस। जो टेस्टिस का अपर पोल है वहाँ पे क्या है, ट्यूबल्स कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, एक सिंगल ट्यूबल बनाते हैं।
दिस टेबल अबाउट 6 मीटर इन द फुल लेंथ, और ये टेबल इसकी लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर के इसकी फुल लेंथ होती है, और ये क्या है रिपीटेडली फोल्डेड एट ए टाइट पैक इनटू ए मास, और ये क्या है रिपीटेडली क्या है बार उसमें पैक होता है, ठीक है कवर होता है, और किससे मास से कवर, मास में पैक होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं एपिडिडाइमस बोलते हैं। इट लीव द स्कोटम एज द डिफरेंट डक्ट इन द स्पर्मेटिक कॉर्ड, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स पास टू द टेस्टिस इन द स्पर्मेटिक कॉर्ड। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द टेस्टिस, स्पर्मेटो जो है स्पर्म आर प्रोड्यूस इन द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऑफ द टेस्टिस एंड मैच्योर एट द पास थ्रू द लॉन्ग एंड कॉर्नियल एपिडर्मिस वेयर दे आर स्टोर, द हार्मोन कंट्रोलिंग स्पर्म प्रोड्यूस इज एफएसएच फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ए मैच्योर स्पर्म हैज ए हेड ए बॉडी एंड लॉन्ग वेब लाइक टेल दैट इज यूज फॉर द मोर्टिलिटी, द हेड इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फिल्ड बाई द न्यूक्लियस कनेक्टिंग इट्स डीएनए। स्पर्मेटोजो स्पर्म आर प्रोड्यूस इन द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऑफ द टेस्टिस एंड मैच्योर एज दे पास थ्रू द लॉन्ग ऑफ कॉन्यूटल एपिडर्मिस वेयर दे आर स्टोर, किसका स्टोर करते हैं, द हार्मोन कंट्रोलिंग स्पर्म प्रोडक्शन इज एफएसएच from the anterior pituitary gland, a mature sperm has a head, body and tail, long whip-like tail that is used for the motility, the head is almost completely filled by the nucleus containing its DNA. It also contains the enzyme required to the penetrate the outer layer of the ovum to reach and fuse with its nucleus. The body of sperm is packed with the mitochondria which fuel the propelling action of the tail and power the sperm on the journey into the female reproductive tract. Successful spermatogenesis takes place at a temperature about 3 degrees centigrade below normal body temperature. The testes are cooled by their position outside the abdominal cavity and the thin outer covering of the scrotum has very little fat.
इट ऑल्सो कंटेन द एंजाइम रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट द आउटर लेयर ऑफ द ओवम टू रीच एंड फ्यूज विद इन इट न्यूक्लियस. द बॉडी ऑफ द स्पर्म इज पैक विद माइटोकॉन्ड्रिया विच फ्यूल द प्रोपेलिंग एक्शन ऑफ द टेल दैट पावर द स्पर्म ऑन इट्स जर्नी इन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. सक्सेसफुल स्पर्मेटोजेनस ट्रैक पैलेस एट द temperature about 3 centigrade below normal body temperature. The testes are cooled by their position outside the abdominal cavity and their outer covering of the scrotum has very little fat. नेक्स्ट है द स्पर्मेटिक कॉर्ड. द स्पर्मेटिक कॉर्ड सस्पेंड द टेस्टिस इन द स्कोटम. ईच कॉर्ड कंटेन ए टेस्टिकुलर आर्टरी टेस्टिकुलर वेन लिम्फेटिक्स एंड डिफरेंट डक्ट एंड टेस्टिकुलर नर्व विच कम टुगेदर टू फॉर्म ए कॉर्ड फॉर्म ए वेरियस ओरिजिन्स इन द एब्डोमिनल. The cord which is covered in a sheath of smooth muscles and connective and fibrous tissue extend through the inguinal canal and attach to the testis on the posterior wall. The spermatic cord suspend the testis in the scrotum. Each cord, प्रत्येक cord अब किससे बनता है? Contain a testicular artery, testicular vein, lymphatic, a different duct and testicular nerve which come together to form a cord form the various origins in the abdomen. The cord which is covered a sheath of smooth muscles and connective and fibrous tissue extend through the inguinal canal and is attached to the testis on the posterior wall. The testicular artery. This is the branch from the abdominal aorta just below the renal artery. The testicular artery वो क्या है? Branch है किसकी? Abdominal aorta की. और कहाँ पे रहती है? Just below the renal artery. The testicular vein. This pass into the abdominal cavity. The left vein open into the left renal vein and the right into the inferior vena cava. Lymph drainage. This is through the lymph node around the aorta.
The different doctor. This is a sum 45 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये क्या है 45 सेंटीमीटर लंबी होती है. इट पास अपर्ड फ्रॉम द टेस्टिस थ्रू द इनवर्टेड कैनाल एंड असेंड्स मीडियली टूवर्ड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर वेयर इज जॉइन बाय द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स टू फॉर्म द एक्सिलेटरी डक्ट द नर्व सप्लाई. This is provided by the branch from the 10th and 11th thoracic nerve. तो जब अपना next lecture होगा वो किस पे होगा? सिमिनल वेसिकल्स पे क्या है अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा. थैंक्स टू ऑल.